आपने भी रेलवे में लोको पायलट बनने के सपने को ठाना है तो ये वीडियो आपका उसी प्रकार से मार्गदर्शन करेगा जैसे महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का किया था। इस वीडियो को हम चार स्टेप में समझेंगे और जो सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा एग्जाम पैटर्न। किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन पाने के लिए सबसे पहले हमें एग्जाम पैटर्न को समझना चाहिए, क्योंकि एग्जाम पैटर्न जब आपके माइंड में रहेगा कि मुझे ये पेपर देना है, मुझे ये पेपर देना है, फिर कहीं जाके सिलेक्शन होगा, तो चीजें ज्यादा आसान होती है। तो बच्चों एलपी टेक्नीशियन के एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले आप लोगों को सीबीटी 1 का पेपर देना होगा। सीबीटी 1 में जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे, अब वो रेलवे डिसाइड करेगा कि आपको 15 गुना बुलाना है, 20 गुना बुलाना है। उसके बाद आपको सीबीटी 2 का पेपर देना होगा। सीबीटी 2 के पेपर के बाद आपको साइको का एग्जाम देना होगा मेरे दोस्त, और जब आप साइको भी क्लियर कर लेंगे तो ध्यान रखिएगा उसके बाद फाइनल आपका मेडिकल होगा। ये जो साइको का एग्जाम होगा वो सिर्फ और सिर्फ एएलपी वालों बच्चों के लिए होगा, लेकिन टेक्नीशियन वाले बच्चों को साइको का एग्जाम नहीं देना है। तो ध्यान रखिएगा सीबीटी 1, उसके बाद सीबीटी 2, फिर साइको, फिर मेडिकल। अब इसके बाद ये आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया। इसके बाद अगला वाला जो स्टेप होगा वो होगा सिलेबस एनालिसिस। सीबीटी 1 में क्या पूछा जाएगा, सीबीटी 2 में क्या पूछा जाएगा, इसको भी तो आपको तैयार रखना है ना। तो सिलेबस एनालिसिस में मैं आपको बताने वाला हूं कि सीबीटी 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, उसी तरह से सीबीटी 2 में क्या क्या आने वाला है वो हम समझेंगे। बच्चों अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं तो सीबीटी 1 में आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन 75 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे। बच्चों 60 मिनट में 75 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन मैथ, 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 10 क्वेश्चन जीके। अब देखिए यहां तक हमारे 45 क्वेश्चन हो गए, इसके बाद आप कह सकते हो 55 क्वेश्चन हो गए, इसके बाद 20 क्वेश्चन हमारे साइंस। मतलब जब पूरा 75 नंबर का पेपर आप क्लियर कर लोगे फिर आपकी एक मेरिट बनेगी, उस मेरिट के बाद आप कहां जाओगे, सीबीटी 2 में। बच्चों सीबीटी 2 का एग्जाम इसका जो पार्ट ए है बच्चा, यही वो पार्ट ए मेरिट डिसाइड करता है। पार्ट ए से ही मेरिट बनने वाली है, लेकिन एएलपी में पार्ट ए का 70% आपका मेरिट डिसाइड करता है। एएलपी में पार्ट ए का 70% मेरिट डिसाइड करेगा, जबकि टेक्नीशियन की बच्चों बात करेंगे तो टेक्नीशियन में ध्यान रखना पार्ट ए का पूरा 100% मेरिट डिसाइड करेगा। तो टेक्नीशियन में तो 100%, लेकिन जब एएलपी की बात करेंगे तो एएलपी में बाकी बचा 30% हमारा साइको डिसाइड करेगा। पार्ट बी सीबीटी 2 के पार्ट ए में 25 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 50 हो रहे, 10 क्वेश्चन तुम्हारे जीके के आएंगे और 40 क्वेश्चन बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के आएंगे। यही वो सब्जेक्ट है जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। बच्चों यहां पर पार्ट ए में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस 100 क्वेश्चन के लिए आपको जो समय मिलेगा वो 90 मिनट का समय मिलेगा। इसमें जितना ज्यादा स्कोर कर सको कर लो, यही आपका सिलेक्शन भी डिसाइड करेगा। बच्चों सीबीटी 2 के पार्ट ए के साथ साथ पार्ट बी भी होगा। पार्ट बी में आपको 60 मिनट में 75 क्वेश्चन मिलेंगे। बच्चों ये जो पार्ट बी होगा ना, या का ट्रेड पेपर होगा, और ये ट्रेड पेपर एएलपी वाले बच्चों को भी देना होगा और मेरे दोस्त टेक्नीशियन वाले बच्चों को भी देना होगा। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी ट्रेड है, आपकी फिटर टर्नर मशीन, जो भी आपकी ट्रेड है, जो भी आप चुनना चाहते हैं उस ट्रेड से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ बच्चे 10+2 पीसीएम वाली ट्रेड हो, तो बहुत सारी ट्रेड है, इनमें से आप किसी भी ट्रेड का चुनाव करके आप ट्रेड को पास कर सकते हैं। ट्रेड सिर्फ और सिर्फ पास करना होगा, मतलब कहने का यह है कि इसका मेरिट में कोई योगदान नहीं, मेरिट तो आपका पार्ट ए ही डिसाइड करेगा, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद जो हमारा अगला तीसरा जो स्टेप होगा वो ये होगा कि आपको सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ना है। बच्चों होता क्या है कि हम लोगों को कंटेंट को यह देखना होगा कि हम क्या कंटेंट पढ़ रहे हैं। तो कंटेंट पढ़ने के लिए सबसे बेहतर एनालिसिस होता है प्रीवियस ईयर पेपर। मैं आपको बता दूं, आज मैं किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं तो मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इसका सबसे अच्छा जवाब हमारे प्रीवियस ईयर पेपर देते हैं। अब 2018 में जो एलपी टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था, टोटल मिला के हमारी 9 शिफ्ट हुई थी, पार्ट ए पार्ट बी के वहां ढेर सारे क्वेश्चन है। आप पहले उनको देखिए, देखने के बाद ये सोचिए समझिए कि ये जो कंटेंट प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, सर ये कंटेंट मुझे कहां मिलेगा। जब वो कंटेंट आपका मिल जाए तो प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस कर लेना, उसके बाद अपनी तैयारी शुरू कीजिए। इसके बाद आप रिलेवेंट बुक्स, बहुत सारी ऐसा होता है कि हम लोग किताबें तो बहुत सारी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि वो किताब मेरे लिए सिलेक्शन के लिए जरूरी है, या हो सकता है आपका टाइम बर्बाद कर रही हो। तो इसका जवाब भी प्रीवियस ईयर पेपर है। बच्चों मान लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर में लीवर के क्वेश्चन पूछे गए और आपकी किताब में लीवर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो आप बताओ क्या ऐसी किताब को पढ़ के आपका सिलेक्शन होगा।
मान लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर में आपका कंप्यूटर पूछा गया, कंप्यूटर इसमें है ही नहीं, तो क्या आपका ये किताब रिलेवेंट किताब होगी? नहीं सर। इसके बाद अगला जो है वो स्टडी मटेरियल है। आपको जो भी स्टडी मटेरियल पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन का हो या फिर ऑफलाइन का हो, उसे भी आपको जो जज करना है वो प्रीवियस ईयर पेपर के अनुसार ही करना है। आपको प्रीवियस ईयर पेपर जरूर एक बार देखने चाहिए कि भैया मेरे प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया था और आज की डेट में हम क्या पढ़ रहे हैं। तो आपको सिलेक्टेड कंटेंट पे ही जाना है। नॉन सिलेक्टेड कंटेंट पे जाएंगे तो भैरे भाई आप अपना समय, पैसा, पावर, हर एक चीज को बर्बाद कर रहे होंगे। तो ये हमारा तीसरा स्टेप होगा। इसके बाद अगला जो स्टेप है वो स्टडी प्लान। देखो बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं कि स्टडी प्लान टीचर से पूछते हैं और कहते हैं सर मेरा आप टाइम टेबल बना दीजिए। अरे टीचर कैसे टाइम टेबल बना सकता है? क्या टीचर को पता है कि सुबह आप कितने बजे उठते हो, कितने बजे नहाने जाते हो और भी डेली के काम आप कितने बजे करते हो? नहीं। सबसे पहला काम यह करना है कि आपको स्टडी प्लान खुद बनाना है। मैं आपको बता दूं स्टडी प्लान में सबसे पहले आप टाइम टेबल बनाइए और टाइम टेबल टीचर से मत बनवाइए। आप देख लीजिए दिन का 24 घंटा होता है कि दिन के 24 घंटे में आपको मैक्सिमम समय अपना पढ़ाई में देना है और मिनिमम समय डेली के काम में देना है ना। तो टाइम टेबल आप खुद बनाइए। नोट्स भी आपको खुद ही बनाने की आदत डालनी चाहिए। मेरे भाई जब आप खुद की नोट से रिविजन करते हैं तो मेरे दोस्त खुद की नोट से रिविजन करने में मात्र हो सकता है 1.5 घंटे 2 घंटे का समय जाए, लेकिन अगर वही दूसरे की नोट्स होगी ना, वो आपको रिवीजन तो छोड़िए उससे कुछ आपको याद तक नहीं होगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है नोट्स खुद बनाने की आदत डालनी है। एक बार जो आपके नोट्स में लिख जाता है ना मेरे भाई, वो आपको बार बार पढ़ना नहीं पड़ता, वो आपके दिमाग में छप जाता है। तो नोट्स खुद बनाने की आदत डालिए। रिवीजन नोट्स बनाने के बाद ना नोट्स को याद भी रखना है, तो इसके लिए पर्टिकुलर सुबह 1.5 घंटे 1.25 घंटे रिवीजन की भी आदत डालिए। जब आप डेली रिवीजन करेंगे ना, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपने बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग की नोट्स बना ली, खुद बनाई, अब वो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग की नोट्स को आप थोड़ा थोड़ा भी रिवीजन देंगे तो वो पूरा तैयार होगा, एग्जाम में कोई प्रेशर नहीं रहेगा। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट जरूर देना है। मॉक टेस्ट क्या करता है? ये तरह का डुप्लीकेट होता है आपके पेपर का। अरे भाई पेपर का डुप्लीकेट जब आप दो डेली, तो आपको अंदाजा मिलेगा कि टाइम टेबल कैसे सेट करना है, टाइम का मैनेजमेंट कैसे सेट करना है। इसके अलावा यह पता चलेगा कि आप पार्ट ए, पार्ट बी या फिर CBT 1 में कितना स्कोर कर पा रहे हो। कई बार इससे जो है आपको और अच्छा मोटिवेशन मिलेगा और कॉन्फिडेंस आएगा कि सर मैं 60 नंबर कर रहा हूं, अब मुझे 70 नंबर करना है। तो आपको मॉक टेस्ट देने की आदत डालनी ही चाहिए, बिना मॉक टेस्ट काम नहीं चलने वाला। तो बच्चों ये चार स्टेप में आपको LP टेक्नीशियन की तैयारी करने वाली करना है। इसके अलावा अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर आप अपनी तरफ से अगर कुछ सजेशन देना चाहेंगे, तो भाई मेरा सजेशन तो सिर्फ एक ही है कि आपको जो भी पढ़ना है वो स्मार्ट पढ़ना है, नॉट हार्ड। स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड। देखो होता क्या है कि अक्सर हम लोग जो है ना भूल जाते हैं कि सामने वाला जो योद्धा है, सामने वाला जो दुश्मन है, वो किस हथियार से लड़ना चाह रहा है और हम किस हथियार से लड़ रहे हैं। अब देखिए अगर अंग्रेजों के पास बंदूक है तो क्या बताइए बंदूक का सामना हम अपनी तलवार से कर सकते? नहीं। अरे बंदूक का सामना तो बंदूक से होगा। तो जब आपको रेलवे की तैयारी के लिए ऑनलाइन एग्जाम देना है तो आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट क्यों दे रहे हैं? आप ऑफलाइन पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? जब तक आप सिस्टम से नहीं जुड़ेंगे, जब तक आप चीजें टेक्निकल तरीके से नहीं समझेंगे, तो आप बताइए वहां फाइनल युद्ध में जहां आपको लड़ना है, जीतना है, वहां आप कैसे जीतेंगे? तो होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन पेपर देते हैं, ऑफलाइन स्टडी करते हैं, हर एक चीज करते हैं, लेकिन एग्जाम तो आपको ऑनलाइन देना है। इसी वजह से आप देखिए हम लोग हमेशा हारते थे क्योंकि हम लोग तलवार से लड़ते थे। अरे गोली का सामना गोली से होता है, बारूद का सामना बारूद से। तो आपको भी इसी तरह से पढ़ाई करनी है, अच्छा कंटेंट चुनना है और अच्छे कंटेंट के लिए आप किसी भी प्लेटफॉर्म को चुन सकते हैं। बच्चों यूट्यूब पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप ऑफलाइन भी पढ़ाई कीजिए। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा कि आप मेरे से ही पढ़िए, लेकिन अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी ना मिले तो पाठशाला रेलवे के पास एक ऐसा फाउंडेशन बैच है जिसमें पूरा ALP टेक्नीशियन की तैयारी शुरू से लेकर अंत तक पढ़ाई जाती है। बच्चों ALP टेक्नीशियन में जितने भी मैंने आपको सिलेबस में सब्जेक्ट बताए, उसके अलावा मॉक टेस्ट बताया, उसके अलावा प्रैक्टिस बैच बताया, वो सब इस फाउंडेशन बैच में मिलेगा जिसके जो CBT 1 प्लस CBT 2 के लिए होगा। अरे ये दाम 864 से भी कम है अगर आप इसमें छोटा सा कूपन कोड अप्लाई करते हैं YOGI10। बच्चों इस बैच से जुड़ने के लिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है।
तो प्ले स्टोर पे जाइए, माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और एएलपी टेक्नीशियन के सपने को साकार करने के लिए अभी जुड़िए फाउंडेशन बैच से। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप एक नंबर में नोट डाउन कर सकते हैं 63-93-825-760, आप इस नंबर पे भी फोन कर सकते हैं। पाठशाला रेलवे हमेशा अपने बच्चों का साथ देता है अंत तक। अभी जयपुर जीडीसी वाले बच्चों का पेपर हुआ था, उसमें इस बच्चों के देखो टॉपर्स थे, ये सब रेलवे लो टू पायलट है, ये जीडीसी एग्जाम के टॉपर है जो अभी रिसेंटली में एग्जाम हुआ था 2022 में। ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ था, लोगों के पास होने के लाले पड़े थे, वहां पर ग्रुप डी एग्जाम में पाठशाला रेलवे ने टॉपर्स दिए। आप देखिए 100 में से 88 नंबर, 100 में से 82 नंबर, ऐसे सिलेक्शन तो 60 वाले का भी हुआ है, लेकिन 60 वाले की फोटो नहीं है, फोटो केवल हमारे टॉपर्स की है। तो भैया अगर आपको भी एलपी बनने के सपने को साकार करना है तो अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं फाउंडेशन बैच। और ये जो मैंने आपको तरीका बताया ना, पूरा 4 स्टेप, इसको आप मन में उतार लीजिए और इसी तरीके से, इसी रास्ते से आगे बढ़िए। विश्वास मानिए, जैसे अर्जुन की जीत हुई थी महाभारत में, वैसे आज की लड़ाई में आपकी भी जीत होगी।